एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो, अब कोई जानवर में छोड़ने के। और चंद्रपुर में जहाँ इतना अनर्थ हो रहा है, उन्होंने अभी 53 जंगली सुअर मारे हैं और 50 की और इजाजत मिली है। हालांकि उनके अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कहा कि हम नहीं मारना चाहते हैं, आप हमको हमारे पीछे मत पड़िए करने के लिए। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। कानून के आधार पर जब किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। जो किसान है वैसे ही तबाह है, आत्महत्या कर रहा है, वैसे ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे जा रही है, ऊपर से इस तरह की चीज़ें जो है वो किसान को तंग और तबाह करती है। अब जैसे बंदर है, अब इस लुटियन जोल में बंदरों का देख लो, हर चीज़ वो मतलब, तो उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि उनको क्या करना चाहिए, दोनों को बैठ कर रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता यदि मान लो इनको एलिमिनेट करना तो वो है, और कोई रास्ता निकालना चाहिए। उनके रीजंस पे कार्यवाही करने की बजाय अगर हम गोलियों की बौछार करें जनरल डायर की तरह उनके ऊपर, तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 1972 में कानून बनाया जा चुका था और हंटिंग को हमारे देश से हटा दिया गया था, किसी भी वन्य जीव का शिकार यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये एक अजीब मंत्री आ गए हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो गंगा को उल्टा बहा रहे हैं और अब वो हंटिंग को फिर से अलाउ कर रहे हैं। चलिए, इस सिलसिले में बात है शिकार को लेकर। सूरत सोनी जी, पहली बात आपसे जानना चाहूंगा, पंचायतों को क्या ये प्रपोजल मिल जाना चाहिए कि वो नीलगाय के शिकार के लिए अपने स्तर पर लाइसेंस जारी करें? देखिए, जिस तरीके से पूर्व में जो 2011 में नियम बने थे, बाइलाज बने थे, उसको देखते हुए फिर भी व्यवहारिक था, लेकिन राजस्थान के गर्व की बात है कि किसी भी सरपंच ने इसकी हामी नहीं भरी है। और व्यवहारिकता को देखते हुए भी गाँव के अंदर जो हमारे पूर्वज है वो आज भी वन्य जीवों का और सामाजिक एक सहजीवन का अस्तित्व मानते हैं। राजस्थान में रोज बोलते हैं, रोजड़ा बोलते हैं, यूनिवर्सल राइट है इनको जीने का, सृष्टि में सबको अधिकार है, हर जीव को जीने का अधिकार है। तो कोई भी सरकार जिसका दायित्व ये बनता है कि लोगों की रक्षा करे, जीवों की रक्षा करे, वनस्पति की रक्षा करे, किसान की रक्षा करे, वो इतनी निर्मम हो सकती है? आपके मुताबिक सरकार को इस प्रपोजल को रखना नहीं चाहिए, तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, तुरंत इसको वापस लेना चाहिए और सामाजिक रूप से भी कोई भी, मैं समझता हूँ कोई भी, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आदमी हो, कोई भी इसको जो है वो सही नहीं मानेगा, सही नहीं ठहराएगा। रामपाल जाट साहब ने कुछ सवाल खड़े किए थे, फिर उनका सोल्यूशन क्या होगा आप बता दीजिए, फिर मैं अगले में। लेकिन निश्चित तौर पर किसान भारत का भाग्य विधाता है, और ये भी सही बात है कि किसान की जो फसल है, अन्न उत्पादन जो करता है, उससे ही हम जो है आज देश पलता है। लेकिन उसके प्रावधान और भी हो सकते हैं, फसल जो खराब है उसका मुआवजा डबल कर सकती है सरकार बढ़ा करके। और मैं आऊंगा इस सिलसिले पर भी आऊंगा कि क्या ये विकल्प हो सकता है। शौकत अली साहब है डीडवाना से और खालिद कुरैशी बीकानेर से हमारे साथ हैं, दो दर्शक। शौकत साहब नमस्कार। फसल बीमा इंश्योरेंस चल रहा है? शौकत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? खालिद कुरैशी साहब नमस्कार। सर नमस्कार, बताएं सर, शिकार तो नील गाय का हो या हिरन का या किसी जानवर के लिए तो शिकार नहीं होना चाहिए, कि हर इंसान हो या जीव, हर जीव मतलब दर्द सबको होता है एक जैसा, तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी मतलब किसी भी चीज का शिकार नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक वन्य जीव प्रेमी का इल्जाम था कि सरकार शिकार को बढ़ावा दे रही है, क्या मनोज मुदगल साहब आप इस बात से अग्री हैं?
बिल्कुल सहमत है, ये हंटिंग को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए सरकार को, और राजस्थान में तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका है, कानून आप ही का बनाया हुआ है, बिल्कुल कानून है, लेकिन हंटिंग के लिए किसी का भी नहीं है, हंटिंग करने के लिए कांग्रेस कभी भी समर्थन नहीं करेगी कि किसी जीव्य का आप हंटिंग करें और उसको बिल्कुल गलत है। राजस्थान के किसी भी सरपंच ने इसलिए नहीं लिया, राजस्थान में रोज के नाम से प्रसिद्ध है, कोई भी इसको नहीं मानना चाहेगा। और जिस आप लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल कॉन्सेप्ट में गलत है, कांग्रेस वन्य जीवियों को किसी के भी मरने के हंटिंग के पक्ष में नहीं है। जिस घटना की बात आप कर रहे हैं बिहार में, वहाँ आपकी सरकार है, हमारी सरकार नहीं, हम सरकार में सम्मिलित हैं, आपकी हमारी सरकार नहीं है, वहाँ नीतीश सरकार, नीतीश कुमार की सरकार है। मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूँ, आप लोग बिहार में क्यों चले गए? आप बिहार को गलत ले रहे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार में सम्मिलित है। आप इसको हंटिंग कर, चलिए दो दर्शक है उनके पास जाते हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा। कृष्णा खोरानी जी जयपुर से और जाकिर साहब बीकानेर से। कृष्णा जी नमस्कार। अरे सर नमस्कार, बताएं सर। अरे साहब आज मेरी आपकी डिस्पाइट के अंदर ये राय रहेगी, सबसे पहले तो भाई जानवर तो चाहे कोई सा भी हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे ये नील गाय हो, इसको प्रकृति के अलावा कोई ही नहीं मानना चाहिए। दूसरा, हमारे ये लक्ष्मी नारायण जी जो बात कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार भले ही बिहार में हो मगर केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सरकार है ना भाई, उनकी नेतृत्व में नहीं हो रहा है क्या कुछ? वो भी तो एक्शन ले सकते हैं। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? उसका दोष नहीं है, इस तरीके से मारा जाता है, क्या ये क्या क्या कोई कत्ल की इजाजत मांगता है और पुलिस उसको इजाजत दे, बड़ा दोषी कौन होगा? कृष्णा जी साहब इजाजत देने वाला होगा। चलिए धन्यवाद आपका। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, बताएं सर। नहीं, ये कहना चाहता हूँ कि जैसे नील गाय फसलों को खराब कर रही है, ये आप भी मान रहे हैं, इनके लिए एक मर्डर केस जो कहते हैं भाई, इंसान का हो गाय का हो, मर्डर केस तो मर्डर केस है। दूसरा बात यह है कि किसान जब फसल काट के मंडी में लाता है तो किसानों के जो गले काटे जाते हैं, जिनकी जेबें काटे जाते हैं, उनके परिवार के जो पेट काटे जाते हैं, उनका कौन जवाबदार होगा? ये नील गाय तो आपने मार दी, जो दाल है, जो बिचौलिए है बीच के अंदर, उनको कौन मारे? किसान की मूल समस्या जस की तस रहेगी। अशोक जी नमस्कार, मैं फिर रामपाल जाट साहब आपके पास। जी जी पारिक साहब नमस्कार, बताएं सर। पारिक साहब, हिंदुओं की सरकार एनडीए दिल्ली में, इतनी शर्मनाक बात है, राम जी की सवारी, हनुमान जी की सवारी, श्री बंदर जी को मारा जा रहा है, राजस्थान के अंदर स्टेट बर्ड मोर को मारा जा रहा है, वहां पे नील गाय को मारा जा रहा है, और तो और हाथियों को मारा जा रहा है, ये कैसी क्रूरता भरी सरकार है। मेनका गांधी ने कहा, बिल्कुल आपने कहा जो। धन्यवाद अशोक जी आपका भी। मैं इस वाकये पर बात करूं तो रामपाल जाट साहब पहले आपका रुख करना चाहूंगा, क्या नील गाय को मारने से किसान की समस्या हल हो जाएगी? अश्विनी जी मैंने दो बात कही, पहली बात किसान की समस्या तो पैदा करने से लेकर बाजार में आने तक की है, तो अकेली एक ऑर्डर से तो सारी समस्या हल नहीं हो सकती, लेकिन मैंने कहा कि जब जीव रक्षा की बात की जाए तो किसान से बड़ा जीव रक्षा कोई नहीं है, वो चींटी को भी नहीं मारना चाहता, चींटी को भी मरने नहीं देना चाहता, इसलिए सबसे बड़ा जीव प्रेमी है किसान, और उस किसान के जब फसल पैदा होती है तो जंगली जानवर कारण जो फसल नष्ट हो रही है, और जो आज विकास के नाम पर पूरा कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है, उसकी जो समस्या है, तो जो इसके लिए उत्तरदायी है वो इसके लिए उत्तरदायी है कि वो इस पर विचार करें, सबसे पहले किसानों की फसल, किसानों के पशु और जन को नष्ट करने वाले कोई भी जंगली जानवर द्वारा कोई भी हानि होती है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए समुचित क्षतिपूर्ति का कानून ऐसे बने जैसे मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम है, उसी ढंग का अधिनियम बने। तो जब तक यह अधिनियम नहीं बनता तब तक जीव रक्षा की बात किया जाना ये बेमानी है। इसलिए जितने भी जीव रक्षा कपड़ा आपको मानते हैं, जीव प्रेमी मानते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो पहले समुचित क्षतिपूर्ति की बात करें फसलों के लिए। आज बाघ किसी भी किसान को जब जंग रुखाड़ी जाता है अपने फसल की, वहां उसको कई को नष्ट कर दिया, कई को खा गया, क्षतिपूर्ति 20,000, शर्म नहीं आती? एक यदि फॉरेस्ट का ऑफिसर मरेगा तो 20,00,000, किसान को 20,000,
आपके मुताबिक ये समस्या राजनीतिक स्तर पर हल की जा सकती है। मैं इस पर अगली बार में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो फिलहाल मौजूदा मसला उसको लेकर सूरज जिद्दी साहब आपकी राय जानना चाहता हूं कि जिम्मेदार कौन है सबसे पहले। देखिए साहब, समस्या का हल शिकार करना नहीं, उनको मारना नहीं है, बल्कि जैसा रामपाल जी ने कहा कि जैसे मोटर वाहन दुर्घटना प्राधिकरण मुआवजा देता है, उसी तरह के किसानों को मुआवजा देना चाहिए। एक पर्यावरण वैज्ञानिक के नाते मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें नीलगाय जहाँ जहाँ भी क्षेत्र हैं उनका पकड़े और उनको बीहड़ क्षेत्रों में छोड़े। दूसरा, उनका बंधियाकरण करे। पहले भी कई बार ये सुझाव दिए गए कि आप इनका बंधियाकरण करिए, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन पर नियंत्रण हो। तीसरा, इनके पुनर्वास की बात है। कई बार आप गाँव में देखते हैं कि जंगली कुत्तों को पकड़ लेते हैं, बंदरों को पकड़ लेते हैं, तो क्या कुत्तों और बंदरों को नगर निगम मारने की इजाज़त देती है क्या? वो भी ये कहती है कि इनको बिहड़ों में, जंगलों में ले जाके छोड़ दीजिए। जंगलों से जानवर इसलिए आ रहे हैं सर कि उनको पीने को पानी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, इसलिए अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए हर जानवर जंगल से बाहर आता है। तो इसमें जंगलों का जो अकुशल प्रबंधन है, वो एक बड़ा कारण ये है कि 1950-60-70 तक जंगलों में प्रेडेटर मौजूद होते थे, बाघ वगैरह, रीछ, जरख, तो इनके बच्चों को और इनको खा जाता था, शिकार कर लेता था, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी। अब चूंकि शिकारी जीव भी समाप्त हो गए, तो इनका कोई जंगली जीव इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है, इसीलिए इकोसिस्टम में जिन जानवरों की संख्या कम हो गई और जो प्रेडेटर थे जो शिकार करते थे इनका, वो चले गए, तो उसके कारण इनकी जनसंख्या बढ़ गई है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। रामपाल जी भाई साहब ने एक बात बहुत गलत कही कि फसलों का पैटर्न चेंज हो रहा है। ये फसलों का पैटर्न किसी वन्यजीव की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। मौसम का जो मिजाज बिगड़ रहा है उसके कारण हो, जलवायु में जो भारी परिवर्तन आ रहे हैं उसके अंतर्गत किसानों का कृषि का पैटर्न हो रहा है। लेकिन किसी वन्य जीव के कारण जब मूंगफली उग रही हो वहां सरसों नहीं उग रही, या सरसों उग रही है मूंगफली बंद कर दिया, ये ऐसा नहीं हुआ। पानी की समस्या है पूरी धरती। आज अभी आप फावड़ा लेके धरती को खोल दो, 8 फुट तक पानी नहीं है, सूखी धरती है, पानी का बड़ा समस्या खड़ी हो रही है। ये कुछ इकोलॉजिकल रामपाल जाट साहब कुछ वैज्ञानिक रूप से देखना पड़ेगा। पहली बात, 3 फसलें मूंगफली, गन्ना और मक्का, जंगलों के आसपास का जितना भी एरिया है जहाँ ही अच्छी पैदा होती थी, जंगली जानवर सबसे पहले इन पर आक्रमण करता है और इनको नष्ट करता है। इस कारण से किसानों ने 50 से लेकर 2010 के बीच में राजस्थान में अगर वन्य क्षेत्र की बात की जाए तो सूरज जिद्दी साहब आंकड़ों पर आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कम कितना हुआ। सर देखिए, हमारी जो एनुअल रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट है जो 1950 से पहले भी होती थी, 1950 में जब वन विभाग बना तब 16% वन भूमि हमारे पास थी, 16% राज्य की। और आज सन 2016 में हमारे पास केवल 8.5 लगभग आधी रह गई है। और उसमें जंगल ही नहीं बचा, सारे नंगे पहाड़ है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, केवल 3.5% हमारे पास नेचुरल जंगल है, वो भी अभ्यारण्य नेशनल। रामपाल जाट साहब, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, ब्रेक लूंगा फिर मैं। अश्विनी जी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 नहीं बेहतर एक मिनट 1972 वन अधिनियम 1972 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980, दो जो कानून आए हैं, इन दो कानूनों के कारण ये असंतुलन हुआ। हम जब सोचते हैं, हमारी सोचने की पद्धति होगी पेंडुलम पद्धति, पेंडुलम जाएगा अंत तक, तो हम इसी ढंग से सोचते हैं। जब हम जीव रक्षा की सोचते हैं तो अंत तक सोचेंगे, लेकिन उसके कारण से होने वाली हानियां उनका प्रबंधन कैसा, इसको छोड़ जाते हैं। तो जो हमारे सोचने का असंतुलन है, उस असंतुलन का परिणाम है कि हम एक तरफा सोच के एक तरफा बात करते हैं। यदि हम बैलेंस सोचे, बैलेंस ढंग से काम करें, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, बैलेंस कौन बनाएगा? बिल्कुल मैं आऊंगा उस पर, ब्रेक तुरंत लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। समझना चाहेंगे कि मसला सामाजिक है या फिर राजनीतिक है, या फिर मसला है जो अब तक समझ में नहीं आया, ब्रेक के उस पर।